आज की रामनवमी शोभा यात्रा में कुछ ही देर बाद जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और शोभा यात्रा भी जो है यहाँ से अभी बच्चे जो आने शुरू हो गए। सोनू मिश्रा हमारे साथ है। सोनू मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी शोभा यात्रा में जो भारी उत्साह बच्चों में खास करके देखने को मिल रहा है और आज जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री पहली बार जो है सदारसर पहुंच रहे, क्या कहने दोगे? जय श्री राम कहना चाहेंगे सबको। इसमें क्या, इतने इससे बड़ा दिन क्या होता है कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है। मुझे लग रहा है चुरू ज़िले में ये दूसरी या पहली बड़ी यात्रा है, राइट, राम जी की। तो ऐसे बड़े मौके पे भजन लाल जी नहीं आएंगे तो कौन आएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, आज एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है कि बच्चों में, महिलाओं में बड़ा उत्साह है। दूसरी बात कि राम मंदिर बनने के बाद जो है पहली बार जो है शोभा यात्रा निकलने जा रही है। बहुत बहुत बड़ा उत्साह है क्योंकि अभी देवेंद्र झाझड़िया जी भी आ रहे हैं अभी और भजन लाल जी भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। इससे बड़ा वो आ गए हैं, भजन लाल जी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है भजन लाल जी पहुंच चुके हैं। पर एक जगह तक एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि इस बार जो लोकसभा में जो है क्या उत्सव देखने को मिलेगा, क्योंकि भगवा छाया हुआ है चारों ओर। लोकसभा में एक ही चीज देखने को मिलेगी, जय श्री राम। और देख लीजिएगा, जय श्री राम नाम का जो जय श्री राम बोल रहा है उसकी धाक जमने वाली है लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। सोनू भाई तो आप बने रहे हमारे साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है अभी स्टेज तक पहुंच चुके हैं और इस साइड देखें तो भगवा रैली जो है, ये सारे एक बार थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, भगवा रैली। आज की रामनवमी शोभा यात्रा जो है शुरू हो चुकी है और आप बने रहे मेरे साथ में। अभी आप देख रहे हो लाइव मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जो है स्टेज पर, इसके साथ ही राजकुमार जी रेणुआ, साथ ही जो है देवेंद्र जी झाझड़िया, राजकरण चौधरी स्टेज पर आपको दिख रहे होंगे। पुष्प वर्षा के साथ जो है अभी रामनवमी शोभा यात्रा आप देख रहे हो। स्टेज आप पर देख रहे हो डॉक्टर बनवर लाल जी शर्मा, अशोक जी पिंचा,